आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9th SPP, देख रहे ना, MM 70 मैक्सिमम, देख रहे ना, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 3 आवर्स, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन केयरफुली, सेक्शन ए, देख रहे ना। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। यह पेपर सेट 7 होगा, 8वां सेट मैंने लिख रहा हूँ, अंग्रेजी का कई पेपर मैंने डाल दिया, अन्य विषय के नहीं है हमारे पास पेपर, 8वां इंग्लिश में 7 ही डाल रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि आपको अगले वर्ष से छमाही से ही 10-10 सेट के अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, जबकि साल में मिलेंगे 10 सेट पेपर मिलेंगे, 1-2-3 नहीं, मतलब मैं बहुत पहले से ही अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए, लेकिन आप लोग शेयर अगर करते रहेंगे तो मनोबल हमारा हाई करेंगे तो पेपर आपको मिलता रहेगा, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का, अथवा फिर पेपर डालने में दिक्कत होगा। तो आप हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चे जितने भी हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, यह चैनल रामबाण है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने शेयर करने का तौर तरीका भी बताया कि अब परीक्षा समाप्त हो गया है, दे लिए हो आप लोग तो चर्चा करिए, अन्य विद्यालय के बच्चों से भी बताइए ताकि वह भी लाभ ले सके, समझ है, जिससे आपको पेपर मिलता रहे। तो पेपर कोड SPP का है, बहुत से बच्चों ने डिमांड किया था सर SPP कहाँ से, मैं ढूंढ कर लाया, SPP का अंग्रेजी का ही पेपर हमारे पास है, मैं इसको डाल रहा हूँ, देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। या आपने बच्चों ने कहा सर बिना साल्व की केवल पेपर डाल दीजिए हम हल कर लेंगे, तो बिना साल्व के आपको दिया जा रहा है, लेकिन पूरा पेपर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 1-3 तक के लिए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पद को सावधानीपूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करिए। पूरा आप ये पैसेज पढ़ेंगे, इसका हिंदी भावार्थ निकालेंगे, तो फिर इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, सरदार पटेल वाज आल्सो नोन एज, जब इसको आप पढ़ेंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया, विकल्प सही है। दूसरा है, सरदार पटेल वाज मेनली नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट नेचर। तीसरा है, फॉर द मैन हुज केम इनटू दोज क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हिम ही वाज काइंड एंड जेंटिल, देख रहे ना। अगला है, डायरेक्शन निर्देश है, क्वेश्चन नंबर 4, 2-8 प्रश्न संख्या 4-8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, सही विकल्प चुनना है, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव द न्यू, द फायर, अब इसमें दिया गया डॉट एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मतलब विद्युत फॉल्ट के द्वारा आग पकड़ी, तो द फायर इज कॉज्ड, देख रहे ना, एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इज कास्ट, यहाँ कर देंगे ज़्यादा सही है, अपने सर जी से पूछ लेंगे, एक बार मिला लेंगे। 6वां है, ही इज द रियल अमेरिकन हीरो, ही इज द रियल अमेरिकन हीरो। अगला है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, कौन सा शब्द पंक्चुएशन मार्क के अंतर्गत नहीं आता है, फुल स्टॉप आता है, कामा ए भी आता है पंक्चुएशन में, कोलोन ए भी आता है, हैश हैज टैग ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से दिया गया शब्द कौन सा सही स्पेलिंग लिखा गया है, रिसिप्ट, रिसिप्ट माने रसीद होता है, तो RECEIPT रिसिप्ट यही सही लिखा गया है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 19, 10 9 और 10 का, रीड द पैसेज गिवेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आगे लिखा गया PTO, पैसेज को पढ़िए और इसका उत्तर चयन करके दीजिए। वही बात है कि अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपको पूरा पेपर मिलता रहेगा, अन्यथा आपको पेपर डालने में मुश्किल होगा मिलने में, समझ रहे हैं ना, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी बच्चे इसका लाभ लें। एक पैसेज आपको दिया गया है, दिखाई दे रहा है, इसको पूरा पढ़ेंगे आप, पूरा आप पढ़ेंगे, बाद में यहाँ पूछा गया प्रश्न उत्तर देंगे। व्हाट डज द वर्ड श्रृंखली मीन्स, श्रृंखली माने होता है चिकुड़न, तो विथ मैनी फोल्ड, जिसमें बहुत से सिलवटें हो जाती हैं, वही है विथ मैनी फोल्ड। हु टर्न्ड द पेज ऑफ ओल्ड बुक, प्रथम पुरानी पुस्तक के पेज को किसने पलटा था, मैकेनिकल टीचर टॉमी एंड मार्गी, दे आर फादर और नोन ऑफ देम, देख रहे ना,
देख लेंगे तो यहाँ लगभग जहाँ तक है डियर फादर होगा आएगा। अगला है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 11-13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन। प्रोज लेसन पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन हर डायरी। देख रहे हैं इसको पढ़ करके जो चार विकल्प हैं, ए रियल स्कूल, ए रियल बुक, ए रियल टीचर, ए मैकेनिकल टीचर, किसके बारे में वो लिखती थी, देख रहे हैं ना। व्हाट वाज रॉन्ग विद द इविलियन, देख रहे इविलिन के साथ क्या गलत हुआ था। सी वाज ब्लाइंड, सी वाज डीप, सी वाज लेम, सी वाज मेंटली वीक। व्हाट वाज द नेम ऑफ बिस्मिल्ला खान फादर, बिस्मिल्ला फादर खान के पिता का क्या नाम था। रसोर बार खान, अली बख्स, पैगंबर बख्स, हजरत रसूल खान, यही था रसूल बार खान, यही सही है इसका। 14-15 क्वेश्चन का रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्पायर एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ अ क्ले एंड वाटर वाटलेस मेड नाइन बीन रोज बिल आई हैव देयर ए हाइव फॉर हनी वी एंड लाइव एलोन इन द वी लाउड ग्लाड। देख रहे ना बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो हु एल्स विल लाइव एट इनिस फ्री विद द पोएट। फिर है व्हाट मटेरियल बिल पोएट यूज टू मेक हिज केबिन। देख रहे ना व्हाट मटेरियल बिल पोएट यूज टू मेक हिज केबिन। तो सीमेंट, ब्रिक्स, क्ले एंड कटल्स। तो यही क्ले एंड कटल्स का प्रयोग किया था उसने, क्ले एंड वाटल्स, देख रहे ना मेड नाइन अबिल यही है इसका। अगला है देख रहे हैं कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16-14 16-20 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु एल्स वाज विथ द बॉय व्हेन ही वाज गोइंग टू द फेयर। देख रहे ना इसमें चार विकल्प है लिखेंगे। हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स फ्रेंडली, ट्रबलसम, सूथिंग, केयरफुल। देख रहे ना इस तरह से आपको पूरा दिखाई दे रहा है। अगला फिर वही बात है कि अगर आप अधिक से अधिक शेयर करते रहते हैं तो आपको वीडियो प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहेगा, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना होगा। इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर एस्केप्ड। देख रहे हैं केज, टिम्बर गार्ड, फॉरेस्ट, सर्कस। व्हाट डिड एवरीथिंग कॉस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। देख रहे हैं पूरा चार विकल्प है जो सही हो लिखेंगे। अगला है व्हाट डिड द कोर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज एली। हैप्पी प्रिंस। व्हाट डिड द कोर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज एली। द हैप्पी प्रिंस, महाराजा, लॉर्ड, युवराज, हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे। रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो। इसको प्रश्न का पढ़िए, उत्तर पूछ कर दीजिए उत्तर। ए व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट्स के भिन्न भिन्न प्रकार प्रयोग का मतलब है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट इज द गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट फॉर। अगला है डिफाइन ऑफ टर्म ट्रांसफॉर्म। अगला है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसेंशियल माने आवश्यक, मिलियन माने करोड़ों या 10 लाख को, साइट माने दृश्य, सीइंग माने देखना, फेमाइन माने अकाल। अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर इल्डर ब्रदर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर यू इन इंग्लिश एज यू आर वीक इन द सब्जेक्ट। देख रहे ना बिल्कुल आपको का 23वां क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 80-100 वर्ड्स। क्या है राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन कोरोना एपिडेमिक।
राइट एन आर्टिकल ऑन टूरिज्म एंड टेरोरिज्म, री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में आया बदलने के लिए बिल्कुल शेयर करते रहेंगे। द शॉपकीपर सेड आई शैल शो यू ए गुड शर्ट, चेंज द फॉलोइंग इंटू पैसिव वाइज, इज ही रीडिंग ए न्यूज़पेपर, पंचुएशन करना है, पंचुएट द फॉलोइंग, हिज अंकल सेड टू मी मे आई नो योर नेम लिटिल वन, तो यहाँ पहले हिज लिखेंगे बड़े लेटर से, हिज अंकल सेड टू मी कामा यहाँ लगा देंगे, फिर इन्वर्टेड कामा में मे बड़े लेटर से लिखेंगे हम, मे आई आई बड़े लेटर से, नो योर नेम लिटिल वन, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुष थे, लाल बहादुर शास्त्री वाज द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ही वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, ही वाज ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी, वह सच्चे देशभक्त थे, ही वाज ट्रू पैट्रियट, उनका जीवन बहुत सादा था, हिज लाइफ वाज वेरी सिंपल, वह अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे, ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच, वह एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे, ही वाज ए मैन ऑफ सिंपल फैमिली, उनके पिता एक साधारण अध्यापक थे, हिज फादर वाज ए ऑर्डिनरी टीचर या सिंपल टीचर। अगला कह रहा है आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच, 30-40 शब्दों में प्रत्येक को उत्तर देना है, व्हाट करेक्टरिस्टिक डज ही मे से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, व्हाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सहनाई स्कूल इन द USA, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-60 वर्ड्स, देख रहे पूरा पढ़ करके आपको उत्तर देना है। 27 है क्वेश्चन, मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इनिसफ्री इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, राइट 4 लाइंस फ्रॉम द पोएम रेन ऑन द रूफ, डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवेन इन द क्वेश्चन पेपर, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, विंड नो मैन आर फॉरेन रेन ऑन द रूफ, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ द फूल्स, इज इट ए गुड आइडिया, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ ओल्ड बहराम बहरमैन, नेम ऑल द पीपुल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन फॉर द ट्रायल, देख रहे हैं ना पूरा का पूरा आपको दिखा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।